नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का बैंकिंग क्रॉनिकल में अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे तो दोस्तों आ, स्टार्ट करते हैं थ्रेड मैथड काफी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे सर थ्रेड मैथड बेसिक से सिखा दो तो आज थर्ड क्लास है तीसरी क्लास होने वाली है इस कोर्स की ये कोर्स फ्री है सभी के लिए हंड्रेड पजल्स फॉर बिगिनर्स मतलब बिगिनर्स जितने भी नए नए स्टूडेंट्स हैं जो अभी तैयारी चालू कर रहे हैं पजल्स पूरा बेसिक से सिखा रहा हूं दोस्तों इस कोर्स को अगर आपने देख लिया तो आपको पजल्स के लिए बिल्कुल भी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है सिर्फ आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी फिर ठीक है ये कोर्स स्टार्ट हो चुका है दोस्तों एस का दो क्लास हो चुकी है अगर आपने मिस कर दी तो उनकी रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं चाहे तो इस कोर्स को आप अभी भी परचेस कर सकते हैं अगर आप ये लेना चाहते हैं तो इसमें आपको अनलिमिटेड सारे मेरे कोर्सेस का एक्सेस मिल जाएगा चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन जल्दी बनाइए दो मिनट का समय दे रहा हूं दो से तीन मिनट का समय दे रहा हूं दोस्तों ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं है ये सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ने के लिए है ठीक है क्योंकि एक बार आप रीड कर लोगे तो आपको थोड़ा आसान होगा समझना मॉर्निंग में मेरी पेड क्लासेस होती हैं दोस्तों इसलिए मैं इवनिंग में टाइम निकालकर यहां पर क्लास लेता हूं सुबह सुबह ऐसा रहता है कि दस बजे से क्लास चलती है फिर एक बजे से क्लास चलती है तो फिर थोड़ा बीच में रेस्ट भी लेना होता है मंडे से आप लोगों की क्लासेस का टाइम मैं शाम को सात या साढ़े सात बजे फिक्स कर दूंगा यूट्यूब पे डेली यूट्यूब पे क्लास होगी सात या साढ़े सात बजे जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों चलिए उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन को आप लोगों ने पढ़ लिया होगा स्टार्ट करते हैं देखिए यहां पर क्या बोल रहा है एट पर्सन एबीसी थ्रेड मेथड का बेसिक पहले तो सिखाऊंगा दोस्तों कि कैसे आप थ्रेड मेथड को सॉल्व कर सकते हैं सबसे पहले देखिए बोल रहा है आठ पर्सन एक सर्कल पर बैठे हुए हैं सभी के सभी इनसाइड फेस कर रहे हैं तो थोड़ा सा चीजों को इमेजिन करने की कोशिश करिए कि एक सर्कल है ठीक है इसमें आठ लोग बैठे हैं ऐसे अंदर की तरफ देखते हुए थोड़ा इमेजिन करिएगा यहां पर आप लोगों को अभी कम दिख रहे होंगे मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बनाया सात दिख रहे हैं अगर दोस्तों इस सर्कल को मैं ऐसा ओपन कर दूं तो ये आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा डायग्राम थोड़ा इमेजिन करके देखो अगर इसको यहां से हम ऐसे कार्ड दें यहां से कार्ड दिए और इसको ऐसे करके ओपन कर दिए तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा इमेजिनेशन पर ही डिपेंड करता है दोस्तों कि आप थ्रेड मेथड को कितना जल्दी सीख पाओगे अगर आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हो इस चीज को ऐसे ओपन करके ये ऐसा दिख रहा है तो आप नहीं सीख पाओगे थ्रेड मेथड। टाइम लग जाएगा फिर उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा अच्छा इसी चीज को दोस्तों अगर मैं बोलूं ऐसा कि मान लो एक सर्कल पर आठ लोग बैठे हुए लेकिन सभी के सभी बाहर की तरफ देख रहे हैं अब इसको अगर मैं ऐसे ओपन करता हूं तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा आपको हा या ना ऐसे दिखेगा ना अगर मैं इसको पूरा सर्कल को ऐसे ओपन कर दूं तो ये नीचे की तरफ दिखेगा बस इसी तरीके से बनाना है दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसको तो यहां पर आपको क्या बोल रहा है एट परसेंट टेबल फेसिंग इन साइड नॉट नेशन इन द सेम ऑर्डर ऑल ऑफ देम बिलोंग टू डिफरेंट सिटीज सभी अलग अलग सिटीज से बिलोंग करते हैं नॉट नेसल इन द सेम ऑर्डर तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ ठीक है दूसरी पॉसिबिलिटी एक और बना लेते हैं यहां पर एक दो तीन चार पांच छ सात आठ अभी दोस्तों ये बेसिक लेवल से क्लासेस चल रही है इसलिए दो दो पॉसिबिलिटी बता रहा हूं धीरे धीरे करके जब ये सीरीज खत्म होने वाली रहेगी तो सिंगल सिंगल में बनाना सीखेंगे ठीक है अभी क्या बोल रहा है ई सीट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ एफ ई जो है वो एफ के सेकंड टू लेफ्ट में है एंड बिलोंग्स टू नागपुर कहीं पर भी रख दो और स्टार्ट कर दो ई e जो है वो एफ के सेकंड टू लेफ्ट में है ये देखो मान के चलो कि भाई ये ऊपर देख रहे हैं ऐसे ठीक है सभी के सभी क्योंकि सब सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं तो सभी को आप ऐसा मान लो कि भाई ऊपर की तरफ फेस कर रहे हैं जिस तरफ भी आप मानोगे वो आपकी चॉइस है ठीक है इमेजिनेशन बस आपका वैसा रहना चाहिए सोचना आपको उसी तरीके से है तो अगर बोला है कि एफ के सेकंड टू लेफ्ट में ई e है और ई e नागपुर से बिलोंग करता है तो यहां पर लिख देते नागपुर इस वाले में भी दोस्तों यहां पर देख लीजिए ये ई e हो गया और ये हो गया नागपुर एफ के सेकंड टू लेफ्ट में ठीक है अब आगे आपको क्या बोल रहा है टू पर्सन लिव बिटवीन ई एंड द वन हु बिलोंग टू कोलकाता तो ई e से दो छोड़कर कोलकाता यहां पर आ जाएगा ई e से दो छोड़कर अब देखो यहां पर ना काफी लोग कंफ्यूज होते हैं ये ई से दो छोड़कर ये पोर्शन आता है तो यहां पर हो जाएगा कोलकाता ठीक है क्योंकि सर्कल जुड़ा हुआ होता है ना भाई सर्कल जो है वो पूरा जुड़ा हुआ होता है जब आप इसको ऐसे करके जोड़ोगे या ऊपर की तरफ ऐसे जोड़ोगे तो दोनों नेबर हो जाएंगे तो इस वाले के बाद ये आता है ठीक है अब क्या बोल रहा था वन हु बिलोंग टू तो बैंगलोर फेसेस ए बैंग्लोर वाला ए को फेस कर रहा है कभी भी आठ लोग आठ लोगों के अरेंजमेंट में बीच में तीन पर्सन बोला है मतलब आमने सामने होता है ठीक है याद रखना इस बात को आठ लोगों, के में में तो आठ लोगों के अरेंजमेंट में बीच में बीच तीन पर्सन होंगे तो आमने सामने होगा लोगों के अरेंजमेंट में में बीच आमने सामने होता है याद रखना पर्सन के अरेंजमेंट में बीच में दो लोग लो होते हैं तो आमने सामने हो जाएगा दस लोगों के अरेंजमेंट में चार लोग बीच में होंगे तो वो आमने सामने हो जाएंगे अब ये चीज को याद कैसे रख सकते हो आधा करके माइनस वन आठ को आधा करो चार आया उसमें माइनस वन कर दो तीन आया मतलब तीन लोग हैं तो आमने सामने इसको यहां पर मैं नोट कर लेता हूं ए से तीन छोड़कर बैंगलोर होगा ठीक है आगे आपको बोल रहा है सी बिलोंग्स टू आगरा सी जो है वो आगरा से बिलोंग करता है हु बिलोंग टू हैदराबाद इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु बिलोंग टू दिल्ली जो भी हैदराबाद वाला है वो इमीडिएट नेबर है दिल्ली वाले के आगे बोल रहे जी बिलोंग्स टू कानपुर एंड फेसेज द वन हु बिलोंग टू नागपुर जी बिलोंग्स टू कानपुर एंड फेसेज टू नागपुर फेसेस मतलब आमने सामने। तो आमने सामने सामने तो अभी मैंने जस्ट बताया थोड़ी देर पहले आठ लोगों के अरेंजमेंट में आमने सामने मतलब बीच में तीन लोग होते हैं तो दोस्तों अगर ई के सामने है बोल रहा है जी बिलोंग्स टू कानपुर एंड फेसेज द वन हु बिलोंग टू नागपुर मतलब ई के सामने में जी होना चाहिए तो ई से एक दो तीन काउंट करके यहां पर आप रख दो जी कानपुर सेम चीज यहां पर भी हो जाएगी ई से एक दो तीन छोड़कर यहां पर हो गया जी कानपुर अभी काफी लोगों के दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि सर आपने राइट की तरफ ही क्यों लिया लेफ्ट की तरफ क्यों नहीं लिया भाई आमने सामने है इसका मतलब क्या है इधर से भी तीन इधर से भी तीन, से भी तीन काउंट करके देख लो ई के इस तरफ से काउंट करेंगे तो एक दो तीन छोड़कर जी कानपुर ई के लेफ्ट से काउंट करेंगे तो एक दो और ये तीन छोड़कर जी कानपुर तो बात तो वही है ना द वन हु बिलोंग्स टू हैदराबाद सिट सेकंड टू राइट ऑफ द वन हु बिलोंग टू कोलकाता तो हैदराबाद वाला जो है वो कोलकाता वाले के सेकंड टू राइट में ये देखो ये कोलकाता है इसका पहला राइट ये हुआ सेकंड राइट ये हुआ तो यहां पर आ जाएगा हैदराबाद अब इस वाले में देखो कोलकाता से पहला छोड़कर सेकंड टू राइट बोला है ना सिट सेकंड टू राइट ठीक है कोलकाता वाले से पहला छोड़कर दूसरा यहां पर हो जाएगा हैदराबाद अब आपको क्या पता है दोस्तों हैदराबाद के नेबर में दिल्ली होना चाहिए हैदराबाद के इस तरफ तो कानपुर है तो उस पार यानी कि यहां पर दिल्ली हो जाएगा इसमें देखो हैदराबाद के इस तरफ नागपुर है तो इस तरफ दिल्ली हो जाएगा अब क्या बोल रहा है आपको ए डज नॉट बिलोंग टू हैदराबाद एंड दिल्ली ए जो है वो दिल्ली और हैदराबाद से बिलोंग नहीं करता यहां पर ऐसे क्रॉस कर देते हैं आगे आपको क्या बोल रहा है दोस्तों यहां पर देखिए एच सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ बी एच जो है वो सेकंड टू लेफ्ट में बैठता है बी से ऐसा बी के पहला लेफ्ट दूसरा लेफ्ट बी ड नॉट सिर्फ थर्ड टू राइट ऑफ ए डी डी है बी नहीं है डी डॉट सिर्फ थर्ड टू राइट ऑफ ए ए के थर्ड टू राइट में डी नहीं होना चाहिए ऐसे यहां पर डी नहीं होना चाहिए तो दोस्तों इसको सॉल्व कर कैसे करेंगे देखिए मैं कलर चेंज करके दिखा रहा हूं ध्यान से सुनना ए तीन छोड़कर बैंगलोर आपको दिख रहा है ए तीन छोड़कर बैंगलोर दिख रहा है ना मतलब आमने सामने है तो कॉमन सेंस की बात है भाई बैंगलोर को कहां रख सकते हो चेक करते हैं यहां दिल्ली हो गया हैदराबाद हो गया नागपुर हो गया अगर मैं यहां पर बैंगलोर को लेता हूं ठीक है तो एक दो तीन छोड़कर यहां पर ए आ जाएगा जो कि बिल्कुल सही है अगर मैं एफ के ऊपर बैंगलोर को लेता हूं ठीक है एफ के ऊपर मैं अगर बैंगलोर को लेता हूं तो एक दो तीन छोड़कर दिल्ली पे ए आ जाएगा जो कि मना किया गया कि दिल्ली पे ए नहीं आना चाहिए अब यहां पर भी चेक कर लेते हैं अगर मैं यहां पर ले लेता हूं बैगलोर को तो एक दो तीन छोड़कर हैदराबाद में ए आ जाएगा वो भी मना किया गया है कि ए हैदराबाद में नहीं हो सकता मतलब एक ही पॉसिबिलिटी है यहां पर कि आप बैंगलोर को यहां पर लो और एक दो तीन छोड़कर ए को यहां पर ले लो और कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं है नीचे वाले में भी चेक करते हैं दोस्तों अगर मैं बैंगलोर को यहां पर लेता हूं तो एक दो तीन छोड़कर ए जो है वो कोलकाता में हो जाएगा जो कि बिल्कुल सही है ठीक है यहां दिल्ली यहां नागपुर अगर मैं यहां पर लेता हूं बैंगलोर को तो एक दो तीन छोड़कर ए हैदराबाद में आ जाएगा जो कि मना किया गया है अगर मैं एफ पे बैंगलोर को लेता हूं तो एक दो तीन छोड़कर यहां दिल्ली में आ जाएगा ए जो कि मना किया गया है ये देखो ठीक तो मतलब पॉसिबल केस हमारे पास सिर्फ यही वाला दिख रहा है कि बैंगलोर को आप यहां पर रखो और तीन छोड़कर सॉरी ये वाला नहीं था एफ तीन छोड़ यहां पर रखेंगे बैंगलोर को

कानपुर कोलकाता ये वाली जगह खाली दिख रही थी जिसमें आप सी और आगरा रख सकते हो सेम चीज यहां पर देखो भाई ये हैदराबाद दिख रहा है यहां कुछ नहीं यहां ये देखो ये वाली जगह पूरी खाली दिख रही है यहां पर लिख दो सी आगरा अब आपके पास क्या बचा दोस्तों बी के सेकंड टू लेफ्ट में एच होना चाहिए अगर मैं बी को यहां रखूंगा तो एच यहां पर नहीं आ पाएगा अगर मैं बी को यहां पर रखूंगा तो एक छोड़कर एच यहां पर आ जाएगा जो कि बिल्कुल सही है बी से एक छोड़कर यहां हो गया एच ठीक उसके बाद दोस्तों डी के लिए सिर्फ और सिर्फ यही वाली जगह बच रही है जो कि गलत हो गया कैसे ए से राइट की तरफ में देखो ए से राइट की तरफ में एक दो पर्सन छोड़कर डी दिख रहा है जो कि मना किया गया है यहां पर तो ये कंडीशन आपकी गलत है ऊपर वाले में देखो दोस्तों बी से एक छोड़कर एच रखना है अगर मैं बी को यहां पर रखता हूं तो एच यहां पर हो जाएगा और तो कोई जगह है ही नहीं आप चेक करके देख लो बी यहां रखोगे तो एक छोड़कर यहां एच नहीं आ सकता पॉसिबल नहीं है सिर्फ यहीं पर रख सकते हो बी एक छोड़कर एच तो डी के लिए सिर्फ यही वाली जगह बचेगी देख लो तो ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है एफ के लिए क्या सिटी बच गई आपके पास पुणे ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है अब काफी लोगों के दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि ये जो थ्रेड मेथड है इससे आंसर क्या सर इसको फिर से सर्कल में कन्वर्ट करना है नहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है आंसर जैसे मान लो कि मैं आपसे पूछता हूं कि कानपुर के इन फ्रंट कौन है कानपुर के जस्ट सामने कौन बैठा है तो तीन परसेंट काउंट कर लो कानपुर से एक दो तीन नागपुर ई बैठा है देखो आंसर में कानपुर के जस्ट फ्रंट में नागपुर ई बैठा हुआ है ठीक है और क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन देखते हैं कुछ लोगों का ये कहना होता है सर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे काउंट करेंगे भाई क्लॉकवाइज देखो जब भी सभी इन, मतलब इन फेस करते हैं यहां पर देखना जब भी कभी इनसाइड फेस करते हैं तो क्लॉकवाइज कैसा होता है ऐसा होता है इसका मतलब क्या इस वाले से देख लो आप इससे इस तरफ जा रहे हो मतलब लेफ्ट की तरफ काउंट करना है क्लॉकवाइज का मतलब लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे जाना है आपको मतलब इस बंदे के रेस्पेक्ट में आप अगर देखोगे ऐसा जा रहे हो तो ये क्या हो गया इसका राइट right साइड हो गया मतलब जब भी इनसाइड फेस करेंगे तो क्लॉकवाइज में और एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है लिख लीजिए आप लोग क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट और इसमें मतलब राइट right. ये चाहो तो आप लोग लिख लीजिए दोस्तों सभी लोग और सेम इसका वाइस वर्सा मतलब जस्ट ऑपोजिट करो लो जब आउटसाइड होता है तो आपका क्लॉकवाइज जो होगा वो राइट right हो जाएगा और ये आपका लेफ्ट हो जाएगा याद रखिएगा भाई इस चीज को याद रखिएगा इस चीज को वैसे तो जब दोस्तों आप प्रैक्टिस करोगे ना जब रेगुलर बेसिस पर थोड़ा इमेजिनेशन आपका होना चाहिए सोचना है दिमाग लगाना है ऐसा नहीं कि बस हमको क्वेश्चन बनाना है और कुछ करना ही नहीं है सिर्फ अगर क्वेश्चन के पीछे भागोगे बनाने के कि बस जल्दी जल्दी बना ले जल्दी जल्दी ऐसा कुछ फायदा नहीं मिलता उससे जैसे कुछ लोग क्लास में आते हैं पर छोड़ के भाग जाते हैं कि अरे हमसे तो बन गया सर तो आधा घंटा ले रहे हैं तो भैया पढ़ाई कर रहे हो ना आधा घंटा भांगड़ा थोड़ी कर रहे हो यार यहां पर पढ़ने ही आए हो ना तो पढ़ाई करो फिर टाइम बचाने का मत सोचो जब पढ़ने बैठते हो तो टाइम मत बचाने का सोचो जब आप फालतू की चीजें करते हैं ना मूवी देख रहे हो सीरीज देख रहे हो इंस्टा चला रहे हो तब समय बचाने का सोचो पढ़ाई में मत सोचो समय बचाने का ठीक है उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा एक आध दो आंसर और देख लेते हैं तो इसमें दोस्तों अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूं कि एच के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है तो ये देखो एच के इमीडिएट राइट में ई दिख रहा है यहां पर भी देख लीजिए एच कहां देखो एच के इमीडिएट राइट right में E बैठा तो आंसर सही आएगा आपको इसको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है जो लोग बनाते हैं जल्दी से बता दीजिए दोस्तों आप लोगों को कितना समय लगता है जितना भी समय आपको लगता है एक्चुअल बताइएगा दोस्तों कुछ फर्जी भी लिख देते हैं कुछ लोग दस सेकेंड लिख देंगे कुछ लोग पंद्रह मिनट लिख देंगे तो वैसा मत करिएगा गुमराह मत करिए दूसरों को केतन जी पूरा कोर्स शुरू हो चुका है दस तारीख को आप चाहो तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो चलिए इसको जल्दी से बनाइए दोस्तों दो मिनट का समय इसमें कंडीशंस नोट करने के लिए दो मिनट का समय दे रहा हूं दोस्तों जल्दी से नोट कर लीजिए काफी सारे लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है बहुत अच्छी बात है चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों ने बना लिया होगा ध्यान से देखिएगा जिनका नहीं बना है इधर ध्यान दीजिए ठीक है ठीक है आप लोग बाद में प्रैक्टिस कर लेना एट पर्सन लिव इन फोर फ्लोर्स वर्ग ग्राउंड नंबर वन एंड जस्ट अबाउ इट इज नंबर टू सो ऑन टिल्लोर विच इज नंबर एज फोर ईच फ्लोर इज है टू इज एक्जैक्टली अबाउ द फ्लैट ए ऑफ फ्लोर वन एंड एक्जैक्टली बिलो द फ्लैट ए ऑफ फ्लोर थ्री एंड सो ऑन फ्लैट बी इज इन दफ फ्लैट ए तो ये क्या बोल रहा है दोस्तों ये बोल रहा है कि चार फ्लोर चार फ्लोर है और उसमें दो फ्लैट है ए और बी बी जो है वो ए से बगल की तरफ है ठीक है यही बोला इतने सब में अब आगे क्या बोल रहा है दोस्तों यहां पर देखिए एक्जेक्टली बिलो ये सब हो गया था एम लिव्स ऑन फ्लोर नंबर टू एम जो है वो फ्लोर नंबर टू पर रहता है मतलब इन दोनों में से किसी एक जगह पर आएगा ओनली वन फ्लोर इज बिटवीन एम एंड एल तो एम और एल के बीच में एक फ्लोर का गैप है तो ये देखो एक फ्लोर का गैप एल यहीं पर आएगा कंफर्म हो गया

Q और पी के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही फ्लोर है एंड बोथ डज नॉट लिव ऑन सेम फ्लैट इसका मतलब क्या है दोस्तों क्यू क्यू अगर यहां पर दिख रहा है ना तो क्यू से एक छोड़कर मैं ऐसा बना देता हूं क्यू से एक छोड़कर पी या तो इस तरफ होगा या फिर क्यू से एक छोड़कर पी इस तरफ होगा ये दो ही पॉसिबिलिटी बनती है या तो ये वाली पॉसिबिलिटी कि क्यू से एक छोड़कर ऊपर इस तरफ हो या तो क्यू से ऐसे नीचे इस तरफ ये दो पॉसिबिलिटी बनती है ठीक है आगे क्या बोल रहे आपको एन लिव्स टू आर एन जो है वो आर के ईस्ट में रहता है ऐसा अब आगे क्या बोल रहे वन फ्लोर इज लिव्स बिलो आर तो बोल रहे एक ही फ्लोर होगा आर और ओ के बीच में और ओ जो है वो आर से नीचे है तो आर से एक छोड़कर ओ हो जाएगा ऐसे नीचे की तरफ ठीक है अब देखिए दोस्तों ध्यान से सुनने सुनना और समझने की कोशिश करना जब आपको पता है कि rn आपको लेना है r से एक छोड़कर o भी आना चाहिए मतलब या तो आप rn को, को यहां पर रखोगे ताकि एक छोड़कर o यहां पर आ जाए या फिर rn को यहां पर रखोगे ताकि एक छोड़कर यहां पर o आ जाए और तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है है ना ध्यान से सुनना भाई r से एक छोड़कर o रखना है ना आपको नीचे की तरफ तो आप r को यहां रखोगे तो एक छोड़कर o कहां जाएगा नीचे अंडरग्राउंड थोड़ी हो जाएगा यहां आर को रखोगे तो एक छोड़कर नीचे कहा बेसमेंट में कहा कुछ नहीं है ना समझ तो में आ रहा है मतलब यही तो दो जगह दिख रही थी तो भाई आर के साथ तो एन भी था यहां पर कैसे रख सकते हो यहां तो L आने वाला है ना दोनों में से किसी एक जगह पर हो गया सॉल्व क्वेश्चन आर मैं कलर चेंज कर देता हूं ये हो गया आर ये हो गया एन एक अब देखो आर से एक छोड़कर ओ लेना है आपको वो सब छोड़ो उसकी जरूरत ही नहीं है पहले इसको देखो क्यू और एस Q S ठीक अब देखो R से एक छोड़कर O M यहां आने वाला है अब क्या बचा दोस्तों देखो Q से एक छोड़कर P Q से एक छोड़कर इधर तरफ में आएगा P ये देखो कहा गया भाई Q से अच्छा ये दोस्तों यहां पर ना थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे लोग मैं फिर से बता देता हूं भाई Q से एक छोड़कर इस तरफ भी P हो सकता है इस तरफ भी हो सकता है ऐसा ठीक है ना यहां पर भी इस तरफ भी हो सकता है ये तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना तो Q यहां पर है एक छोड़कर ऊपर गए उसके बगल में P क्योंकि बोला था Q से एक फ्लोर के गैप में P है और दोनों अलग अलग फ्लैट में है तो L के लिए तो सिर्फ यही जगह बची थी हो गया सॉल्व कुछ था ही नहीं दोस्तों इस क्वेश्चन में एकदम हलवा क्वेश्चन था सिंगल पॉसिबिलिटी में डन अगर आप कंडीशंस को मर्ज करना सीख गए अगर आपको ये आता है तो किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए जल्दी कमेंट करिए कोई दिक्कत तो नहीं है चलिए उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा सभी को तो आज की क्लास खत्म यहां पर जिनको जाना है जा सकते हैं बिगिनिंग है टफ लग रहा है हो जाएगा धीरे-धीरे टेंशन मत लो आरआरबी पीओ मेंस का देखिए दोस्तों सब्सक्रिप्शन के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं ये इसका आंसर है ठीक है दोस्तों ये जो सब्सक्रिप्शन है इसमें आप अभी एसबीआई पीओ का कोर्स स्टार्ट हो चुका है ठीक है एसबीआई पीओ और IBPS पीओ का कंप्लीट कोर्स स्टार्ट हो चुका है जिसमें टोटल 80 क्लासेस होने वाली है ठीक है अगर आप ये सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसमें आपको वो एटी क्लासेस वाला कोर्स तो मिलेगा ही साथ में आर पीओ का जिनका पेपर है तो आप मेरा पुराना कोर्स देख सकते हैं उसमें क्लासेस है मेंस की पीओ के लिए आईबीपीएस क्लर्क मेन्स के लिए एसबीआई क्लर्क मेन्स के लिए साठ क्लासेस मैंने वहां पर ली हुई है जिसमें कि तीस पजल की क्लासेस है तीस रीजनिंग के दूसरे टॉपिक की क्लासेस हैं वो पूरे साठ क्लासेस आपको मिल जाएंगी उसी के अंदर ठीक है तो आप अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वो ये दोनों तो मिलेगा ही फ्यूचर में मैं जो भी कोर्स लॉन्च करूंगा वो भी आपको मिलेगा मतलब अनलिमिटेड एक्सेस आपको हर चीज का मिल जाएगा अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं अगर आप नहीं लेना चाहते आप चाहते हैं कि बस हाँ सत्तर अस्सी नब्बे क्लासेस देख ले हमारे लिए उतना मोर देन इनफ है तो आप फिर ये सिर्फ एस बी वाला आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं इसमें दोस्तों आप सिर्फ जो एटी क्लासेस होने वाली है वो अस्सी क्लासेस को आप देख पाएंगे इसमें क्वांट वगैरह एड नहीं होगा लेकिन सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो उसमें क्वांट के भी जितने भी क्लासेस में लूंगा प्रिलिम्स डीआई मेंस डीआई अदर क्वांट के जो भी हैं टॉपिक वो सारा का सारा उसमें कवर हो जाएगा ठीक है चलिए खत्म करते हैं ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों ऐप का लिंक मैंने पिन कर दिया है कहां से लेना है कैसे लेना है आप वहां पर देख सकते हैं वेबसाइट है दोस्तों अंकुश लांबा डॉट कॉम ए एन के यू एस एच एल एम बी ए डॉट कॉम अभी दोस्तों सिर्फ दो ही क्लास हुई है इस कोर्स की सिर्फ दो क्लास हुई है जिसकी रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं ठीक है हर क्लास के बाद पचास क्वेश्चन के पीडीएफ में दे रहा हूं आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं ठीक है चलिए खत्म करते हैं मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में अच्छा आर क्लर्क कलर के मार्क्स कुछ लोग पूछ रहे हैं मेरे दोस्तों मेरे मार्क्स मैंने शेयर किया हुआ था सेवनटी सेवन पॉइंट सेवन फाइव मार्क्स से है आउट ऑफ एटी मैंने अटैम्प्टवेंटी एट किए थे नॉर्मलाइजेशन में कहीं कम हुआ है रीजनिंग में थर्टी नाइन में थर्टी नाइन दोनों में थर्टी नाइन थर्टी नाइन मैंने किए थे पर रीजनिंग में मुझे पूरे फुल मिले हैं और क्वांट में मुझे थर्टी एट पॉइंट सेवन फाइव मिले हैं सॉरी थर्टी सेवन पॉइंट सेवन फाइव मिले हैं जिस वजह से मार्क्स जो हैं वो सेवनटी सेवन पॉइंट सेवन फाइव ये मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया था टेलीग्राम चैनल ज्वाइन अगर आप करना चाहते हैं तो एट द रेट ल वाई टी यहां पर आपको पीडीएफ अगर मिल जाएगी दोस्तों सारी क्लासेस की जो भी पीडीएफ है वो यहां पर मैं शेयर करता हूं Banking Chronicle YT. आप ऐसा लिख कर सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो मिल जाएगा चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा चलिए खत्म करते हैं थैंक यू बाय ऑल द बेस्ट मिलेंगे कल की क्लास में ठीक है फी थोड़ा ज्यादा है शुभम जी बहुत कम है फीस बहुत ही कम है फीस यार कहां फीस ज्यादा है बोलते हो बाईस का सब्सक्रिप्शन आठ महीने के लिए है आठ महीने मतलब कितने दिन होते हैं दो दिन होते हैं एक दिन का दस रुपए से भी कम लग रहा है आपको चलिए ठीक है